तो अभी हम देखते हैं इसके ऊपर के स्ट्रोक्स कैसे लगा सकते हैं। स्ट्रोक्स लगाने के लिए इमेज पे स्ट्रोक कैसे लगेगा, पिक्चर पे स्ट्रोक कैसे लगेगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो कल वाले पोस्टर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने इसको ग्लो दिया था यहाँ पे, अब मैं इसको कोई स्ट्रोक देना चाह रहा हूँ जिससे ये बिल्कुल ज़ाहिर हो अलग से। तो इसी पे क्लिक करके मैं यहाँ से जाऊँगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद आउटर ग्लो ख़त्म कर दूँगा। तो जब आउटर ग्लो ख़त्म करूँगा तो इसके ऊपर से ग्लो ख़त्म हो जाएगा, ये तो किसी और पर ख़त्म कर दिया मैंने। ये रहा वो पिक्चर, इस पर क्लिक करूँगा, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं इसके ऊपर से क्या ख़त्म कर दूँगा, आउटर ग्लो। अब मैं लगाने वाला हूँ इस पर स्ट्रोक। जैसे स्ट्रोक लगाऊंगा तो इसके आउटलाइंस आ जाएंगी। अब आउटलाइंस किस कलर की चाहता हूँ मैं, उस पर क्लिक करूँगा कलर पे, और यहाँ से क्लिक करके उसके साइज़ को एक्सटेंड करूँगा। तो जैसे मैं उसके साइज़ को एक्सटेंड करूँगा तो ये देखिए इसके ऊपर इस तरह का मामला बन जाएगा। अब कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करेंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे, जो भी कलर लेना चाहें, रेड कलर लेना चाहें, वाइट कलर लेना चाहें, जो कलर जिस पर सूट करता है वो कलर आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें मेरा ख्याल है कि वाइट कलर ज़्यादा सूट करेगा, तो इसको इस तरीके से अप्लाई करके इसको ओके कर देंगे तो ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, अब यही चीज़ अगर टेक्स्ट पे अप्लाई करनी हो तो कैसे करेंगे। जैसे उजर ने मेरे से एक दफ़ा पूछा था इसका स्ट्रोक लगाने का, तो उसको किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पहले टेक्स्ट लिख लें। जैसे सपोज तो भी आपने लिख दिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे फैशन एंड डिज़ाइन, फैशन एंड डिज़ाइन। ठीक है, लिखने के बाद कंट्रोल ई किया और उसको यहाँ से क्लिक करके फॉन्ट साइज़ को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, सपोज 62 पे कर दिया, और उसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी दबाया, ऑल्टर शिफ्ट किया और इसको थोड़ा सा कम कर लिया। अब चूंकि ये थोड़ा टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा है तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ही रखा, और यहाँ से क्लिक करके मूव टूल लिया, यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया। टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और इसको ऐड को नीचे ले आया और डिज़ाइन को इस तरह से कर दिया। क्लिक करके मैंने यहाँ से इसको आगे लिया और क्लिक करके कंट्रोल टी दबाया और उसको आगे कर दिया थोड़ा सा। अब इसमें हो ये रहा था कि फैशन एंड डिज़ाइन तो ठीक था लेकिन फैशन थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, टेक्स्ट को एडिट किया और यहाँ पे फैशन में थोड़ा सा स्पेस ऐड कर दिया मैंने मैन्युअली। तो इस तरह से भी आप काम को एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल टी दबाया, ऑल्टर शिफ्ट किया, इस तरह से बड़ा किया और उसको उठा के यहाँ पे इस तरह से रख दिया। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद क्लिक किया आपने यहाँ से मूव टूल के ऊपर और कंट्रोल एस करके सेव किया। अब इसके ऊपर आउटलाइन अप्लाई करनी है। आउटलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे स्ट्रोक के ऊपर तो ये स्ट्रोक इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब स्ट्रोक जो अप्लाई हुआ है बेसिकली उसके साइज़ को यहाँ से सेट करना है, कितना अप्लाई हुआ है। वाइट पर वाइट सेट नहीं करता तो इसलिए हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ज़्यादा था स्ट्रोक इसलिए वो पूरा ब्लैक हो गया, तो थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं यहाँ से क्लिक करके, तो ये स्ट्रोक इस पेपर अप्लाई होगा। स्ट्रोक तीन तरह से अप्लाई हो सकता है, एक दोनों साइड पर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी और बाहर की तरफ भी, एक सिर्फ बाहर की तरफ और दूसरा सिर्फ अंदर की तरफ। तो अभी हमारा कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड है वो हम देख लेते हैं। अभी हमारा सिलेक्टेड है यहाँ पे इनसाइड, इसको कर देते हैं सेंटर। अब जब मैं बढ़ाऊंगा तो दोनों साइड पे बढ़ेगा, अंदर भी बाहर भी, और जब मैं रखूंगा इसको सपोज टू बी आउटसाइड तो अब ये सिर्फ बाहर की तरफ बढ़ेगा और ये इस तरह से नज़र आएगा। जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ जाएगा। स्ट्रोक पे क्लिक करके आप जिस कलर का चाहे स्ट्रोक इस पर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से इस तरीके से ये आपको दिखाई भी देगा। और उस पर एक काम ये भी कर सकते हैं, क्लिक करके आप उसको वाइट कर दें, क्लिक कर दें यहाँ पे, उसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर दें और ये इस तरह से आपको वाइट के ऊपर वाइट भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रोक भी अगर आप सिंगल आउटलाइन पे लगाना चाह रहे हैं, सिंगल आउटलाइन पे लगा दें, ओके कर दें। तो सिंगल कलर स्ट्रोक भी लग जाएगा और वो इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप इसी स्ट्रोक को ग्रेडिएंट्स पे लगाना चाह रहे हैं तो ग्रेडिएंट में करने के लिए आपने इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करना है स्ट्रोक पर जाना है। स्ट्रोक पे कलर की जगह पे आप लेंगे ग्रेडिएंट्स, तो ये शेड्स के अंदर आ जाएगा। फिर शेड्स में आप कैसे शेड्स बनाना चाह रहे हैं, बेसिक शेड्स में जाएंगे तो जो आपका बेसिक शेड है वो आपको मिल जाएगा। और मजीद शेड्स के लिए ब्लरिश शेड्स देखने, ब्लूइश शेड्स देखने, तो ये ब्लूइश शेड्स इस पर अप्लाई हो जाएंगे। सारे ब्लू शेड्स हैं इसके अंदर, ये देखिए इस तरह के। और इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा कोई और पर्सन है जैसे रेड्स के शेड्स में देखना है आपने, तो ये रेड्स के शेड्स में इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप अपनी मर्जी का बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप सबसे ऊपर जाइए पहले, और यहाँ से क्लिक करके पहले आप ले लेंगे फर्स्ट वाला और उस पर यहाँ पे क्लिक कर दें। एडिटर में आने के बाद ग्रेडिएंट के यहाँ क्लिक करेंगे, जिस कलर का आप स्ट्रोक बनाना चाह रहे हैं, दो कलर तीन कलर जो आपको रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करें। दो कलर का स्ट्रोक तो ऐसे बन जाएगा, एक कलर ये और दूसरा कलर यहाँ से ले लेंगे।
ठीक है। लेकिन अगर आप तीसरा कलर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करना होगा, ये पूरी स्टॉप्स कहलाते हैं, कलर स्टॉप्स, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टॉप्स में जो कलर आपने चूज करना है वो ले लेंगे। तो ये दो कलर हो गए और तीसरा कलर मैंने यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा ये वाला ले लिया, ओके कर दिया, तो ये तीन कलर का बन गया। इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ से इसके साइज के स्ट्रोक्स को कम ज्यादा कर सकते हैं, ये इस तरह से भी बन के आपको दिखाई दे सकता है अगर आप इसको ऐसे करना चाह रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ तो उसके बाद ओके कर दूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक और स्ट्रोक दे दूँ ताकि थोड़ा सा और अलग से नजर आए। अब ये जो इसके ऊपर एक स्ट्रोक देने की बात आएगी, तो यूजुअली आप CS6 के अंदर तो दूसरा स्ट्रोक डायरेक्टली नहीं दे सकते क्योंकि इसको हटाएंगे तो दूसरा कहाँ से देंगे, लेकिन CC 2020, 21, 23 के अंदर जो है ना, यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन दिया है, यहाँ क्लिक करेंगे ऐड पे एक और स्ट्रोक ऐड हो जाएगा। अब जो दूसरा स्ट्रोक ऐड हुआ है वो इसके नीचे, ये ऊपर है, तो ऊपर वाले स्ट्रोक को जो है आपने क्या देना है, इसको आप कह रहे हैं मैं दोबारा से सिंगल कलर दूंगा तो कलर कर दें सिंगल। अब ये तो अंदर वाला कलर हो गया तो फिर इसको कर दें ग्रेडियंट और उसके बाद वाले को कर दें यहाँ पे क्लिक करके सिंगल कलर कर दें, तो ये देखें इस तरह से हो गया। अब इसका जो साइज है थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये देखें बाहर निकल के आ गया। अब इसको जो थोड़ा सा बाहर जो निकला है इस पर क्लिक करके किस तरह से बाहर निकाल के दिखाना और ओके कर दें, तो इस तरह के जो अक्सर आपने टाइटल्स बने हुए देखे होंगे वो इस तरह से बन सकते हैं। इस तरह दो तीन चार जितने स्ट्रोक लगा दें आप लगाते चले जाए, देख रहे हैं कैसा बन गया थोड़ी सी चेंजेस के बाद। तो इस तरह से आप ये इसके ऊपर स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो इसमें भी हमने कवर किया कि भाई सिंगल कलर, ग्रेडियंट स्ट्रोक्स और इसके अलावा डबल स्ट्रोक और ट्रिपल स्ट्रोक भी हो सकता है, एक और बनाए इसके ऊपर एक और लग जाएगा। अच्छा, स्ट्रोक खाली इस पे नहीं दे सकते, इस शेप पे भी दे सकते हैं। चले आए इस पे क्लिक करते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले गए, क्लिक कर दिया यहाँ पे और यहाँ से ले लिया हमने स्ट्रोक्स, जैसे स्ट्रोक पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद आप किस तरह का स्ट्रोक आप इस पर लगाना चाह रहे हैं, ब्लैक कलर है और ये स्ट्रोक इनसाइड है तो मैंने इसको कहा आउटसाइड कर देते हैं और थोड़ा सा फिर स्ट्रोक को मैंने यहाँ से एक्सटेंड किया तो ये देखिए इस तरह से स्ट्रोक निकल के आएगा। ठीक है, और ज्यादा करेंगे तो ऐसे निकल के आएगा, हल्का सा स्ट्रोक इस तरह से दे दिया तो इसके किनारों पे इस तरह का स्ट्रोक आ गया। अच्छा, अभी स्ट्रोक सिंगल कलर है, ग्रेडियंट करेंगे तो ये ग्रेडियंट पे लगा दें तो अब इसके अंदर एक अच्छा सा डिजाइन और बन जाएगा। भाई सिंगल से डार्क लाट से लाइट से डार्क हो रहा है तो यहाँ पे देखिए सपोज टू बी ये इस तरह का अगर हम लगा रहे हैं इसके ऊपर ये वाला, तो ये देखिए ये इस तरह का लाइट इफेक्ट देगा। उसके बाद थोड़ा सा साइज को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। उसके बाद इसकी आप स्केल पोजीशन को भी, जो इसकी कलरिंग इफेक्ट्स है उसको भी ज़्यादा थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लिक करके नीचे आएंगे तो यहाँ से और देखिए रेड इफेक्ट है, ऑरेंज इफेक्ट है, पेस्टल्स हैं, क्लाउड्स हैं, बहुत सारे बने बनाए इफेक्ट्स हैं जो इन पर लगा सकते हैं और लगाने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा। कलर शेड्स में जो कलर शेड्स यूज हो रहे हैं इसके अंदर वो लीनियर भी है, रेडियल भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, ये लीनियर रेडियल के अंदर एक और चीज सिखाता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये जो अगर आप स्ट्रोक लगा रहे होते हैं किसी चीज के ऊपर तो कलर्स लीनियर में इस तरह से ऊपर से नीचे हल्के से तेज हो रहे होते हैं या तेज से हल्के हो रहे होते हैं, जबकि रेडियल में सर्किल के अंदर कलर ऐसे फैल रहे होते हैं हल्के से तेज तेज से लाइट से हो रहे होते हैं। तो उसके लिए तो देखिए अगर आप कोई सर्किल बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप कोई सर्कल का शेप बना रहे हैं, यानी कि कोई सर्कल टाइप शेप बना रहे हैं उसको आपने यहाँ पे बनाया, अब उसके अंदर अगर आप ग्रेडियंट लगाएंगे तो कैसा लगाएंगे ग्रेडियंट इस शेप के अंदर जब आप लगाएंगे तो इसको रेस्टराइज करें। सबसे पहले तो हमने इसको रेस्टराइज कर दिया, अब रेस्टराइज करने के बाद अब इसमें जब ग्रेडियंट हम लगाएंगे तो इस पर हम लीनियर वाला ग्रेडियंट लगाएंगे तो वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। इसको ग्रेडियंट पे क्लिक किया, कंट्रोल का बटन दबाया, क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, उसके बाद जैसे मैंने इसके ऊपर ये लीनियर वाला ग्रेडियंट लगाया तो ये इतना इंपैक्ट नहीं डालेगा इसके अंदर। इस पर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा वो ये वाला डालेगा रेडियल, क्योंकि गोल है ना, तो इस पर हम गोल वाला इंपैक्ट लगाएंगे तो ये देखिए इस तरह का इंपैक्ट डालेगा ये। ठीक है, अब ये डार्क से लाइट हो रहा है, लाइट से डार्क हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ डार्क से लाइट हो तो फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है यहाँ पे रिवर्स, तो जैसे रिवर्स करेंगे तो अब लाइट बीच में आ जाएगा और डार्क जो है इसके साइड्स पे चला जाएगा तो ये देखिए इस तरह का इंपैक्ट बन जाएगा। थोड़ा सा और इसको मैं खींच के बनाता हूँ ऐसा बन जाएगा, हल्का सा करूंगा तो इस तरह का बन जाएगा। थोड़ा कलर को मैं थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ और उसको क्लिक कर देता हूँ और उसको क्लिक करके ओके कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ खींचता हूँ उसको तो देखिए इस तरह का इंपैक्ट बन जाएगा। कंट्रोल डी दबाता हूँ तो देखिए इस तरह से बॉल टाइप का इंपैक्ट बनेगा। अब इसके दो तीन बना देते हैं, कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट किया, ये मैंने इस तरह का बना दिया ब्लू। अब इसको मैं रेड में बनाना चाह रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा, भाई यहाँ पे क्लिक करना है तो सबसे पहले ग्रेडियंट लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट में यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने उसका जो है रेड वाला ले लिया, थोड़ा डार्क वाला वर्जन ले लिया, क्लिक कर दिया यहाँ पे और इसका जो ब्लू रेड का जो वाला वर्जन है इसको थोड़ा सा लाइट का वर्जन ले लिया, ओके कर दिया तो ये लाइट हो गया, ये डार्क हो गया, इसको क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, कंट्रोल के साथ क्लिक किया इसके ऊपर, सिलेक्ट हो गया और इसको अभी यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ यहाँ पे मैंने इस तरह का ग्रेडियंट दिया तो ये देखिए किस तरह का इम्पैक्ट इसके ऊपर इस तरह का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं। सिमिलरली यही इम्पैक्ट आप स्ट्रोक के साथ भी इन पर लगा सकते हैं,
कैसे लगाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ से क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और क्लिक करेंगे स्ट्रोक्स के ऊपर। तो जैसे ही स्ट्रोक लगाएंगे तो स्ट्रोक की थिकनेस को सेट करेंगे आप। तो स्ट्रोक की थिकनेस के लिए आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसके साइज को एक्सटेंड करेंगे। अब एक्सटेंड करने के बाद अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसको ग्रेडियंट पे लगाऊं, तो ग्रेडियंट ले लिया आपने। अब इसके ऊपर मैं कौन सा ग्रेडियंट लगाना चाह रहा हूँ, अब ये ब्लू है तो ब्लू के ऊपर ब्लू ग्रेडियंट तो पता नहीं पसा करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ से ग्रेडियंट लेते हैं और फिर इसके मेथड को हम रेडियल पे लगा देते हैं। तो ये रेडियल के ऊपर रेडियल लग रहा है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें और इसके ऊपर हम यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करके इसको यहाँ पे क्लिक करके ये लाइट रेड ले लेते हैं और उसको ओके करते हैं, तो ये इसको ओके करने पर इस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये रेडियल में पड़ रहा है, अब इसको अगर रेडियल की जगह लीनियर में डालेंगे तो देखिए नीचे से डार्क हो जाएगा ऊपर से लाइट हो जाएगा। अब कहाँ पे डार्क, कहाँ पे आपको कौन सा सूट कर रहा है वो आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मुझे कलर रेडियल स्टाइल सही लग रहा है, कहाँ पे मुझे इसका डार्क स्टाइल सही लग रहा है। तो उसके बाद वो जब आप उसको लगा देंगे उसके ऊपर तो फिर आपको वो समझने में आसानी होगी, कलर स्केल्स को भी यहाँ पर देख कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी एक ये दे दिया और इसके ऊपर एक और इस तरह का देना है, तो सेम काम करना है, स्ट्रोक एक और ऐड कराना है, वो नीचे ऐड हो जाएगा। नीचे ऐड कराने के बाद जो दूसरा लगाना है इस पर इम्पैक्ट, वो इस पर लगा दें और उसके बाद उसके साइज को यहाँ से एक्सटेंड कर दें आउटसाइड पर रख के। ये देखिए ओके करेंगे और ये इस तरह से बन के आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर स्ट्रोक के साथ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है ड्रॉप शेडो। अब ड्रॉप शेडो क्या है, मिसाल को इसका शेड मुझे यहाँ दिखाना है, क्लिक करेंगे यहाँ से, क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और क्लिक करेंगे यहाँ से ड्रॉप शेडो के ऊपर। जैसे ही ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे तो इसका शेड निकल के आएगा। अब शेड दिख नहीं रहा हालांकि आ रहा है, तो इसके साइज को भी यहाँ से एक्सटेंड करेंगे। तो जैसे यहाँ से साइज को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, और डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये देखिए इसका डिस्टेंस निकला। डिस्टेंस का एंगल यहाँ से सेट करेंगे, मतलब शेड आपको यहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाना है, किस डायरेक्शन में दिखाना है। लेकिन उसके लिए तरीका यह है कि आप पहले यूज ग्लोबल लाइट से हटा लें। अगर ग्लोबल लाइट में चेक है तो फिर जब आप एक का शेड चेक करेंगे तो सबका शेड चेंज होगा। तो मैं ग्लोबल लाइट से चेक हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका शेड इस साइड पे दिखाना है या फिर इसका शेड इस साइड पे दिखाना है, जहाँ पे दिखाना है वहाँ पे डिस्टेंस सेट करें इसका, और डिस्टेंस के बाद इसके साइज को एक्सटेंड करके हल्का से कर दें। ऑपेसिटी थोड़ी बढ़ाएंगे तो थोड़ा वो शेड उसका जाहिर हो जाएगा, और उसको ओके करेंगे तो ये देखें अब ये पहले से कितना बेहतर लग रहा है। सिमिलरली अब यहाँ पे आपने जो ये बार बनाया है, इस बार का भी शेड आप दे सकते हैं। इस बार का शेड कैसे देंगे, यहाँ से इस बार को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप चले जाएंगे इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर, हल्का सा शेड किस तरह से देते हैं, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे, क्लिक आ गया, शेडो पे क्लिक करने के बाद एंगल सेट करेंगे, उसके बाद इसके स्प्रेड को सेट करेंगे, कितना स्प्रेड रखना है इसका, कितना साइज रखना है इसका, और उसके बाद इसका डिस्टेंस सेट करेंगे, और इसका ऑपेसिटी कम ज़्यादा करके किस कलर का शेड रखना है वो यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। रेड रखना है, ग्रीन रखना है, ब्लू रखना है, ओके करेंगे। कलर ब्लेंड मोड नॉर्मल कर देंगे तो कलर्स आपको सीधे सीधे नज़र आने लग जाएंगे इसके ऊपर। और अगर ब्लैक ही रखना है तो फिर यहाँ से आप डार्क कलर रखेंगे, ग्रे कलर रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, उसको क्लिक करके ओके करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, तो ये देखिए आपको इस तरह से शेड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी कोई ना कोई पोस्टर, कोई ना कोई पोस्ट या कोई ना कोई कवर पेज या किसी का फ्रंट पेज बनाने में हेल्प करेंगे, और इस तरह आपकी जो ड्राइंग्स है वो पहले से इम्प्रूव हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है।